हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, हम लोग चैप्टर नंबर 4 को पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोगों ने चालू किया है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव सेक्शन को पढ़ रहे थे, और कॉन्ट्रासेप्टिव सेक्शन में हम लोगों ने नेचुरल मेथड्स को डिस्कस कर लिया, प्राकृतिक विधियाँ। प्राकृतिक विधि में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आवधिक संयम, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, अंतरित मैथुन, क्वाइटस इंटरप्शन, स्तनपान, अनार्त्रो, लैक्टेशनल एमिनेरिया। ये 3 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बैरियर मेथड को। बैरियर मेथड के बाद हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बैरियर मेथड में हम लोगों ने मेल बैरियर मेथड और फीमेल बैरियर मेथड। फीमेल बैरियर मेथड में डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस इस लेक्चर में करने जा रहे हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस की हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो इंजेक्शंस वगैरह उपलब्ध हैं, इम्प्लांट्स उपलब्ध हैं, उनकी बात करेंगे, और सर्जिकल मेथड्स की भी बात करेंगे, ठीक है जी। चलिए चालू करते हैं। भारत में हम लोग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस की बात करते हैं। भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि अंतर्गर्भाशी युक्ति इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस का उपयोग है। एक और जो बहुत भारत में प्रचलित विधि है कॉन्ट्रासेप्शन की, गर्भ निरोधक की, वो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, अंतर्गर्भाशय युक्ति। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस की उपयोग इंडिया में काफ़ी लोकप्रिय है। यह युक्तियाँ डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग में गर्भाशय से लगाई जाती हैं। बैरियर मेथड में देखा था कि हमको ट्रेन प्रोफेशनल्स की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर या नर्सों के बगैर भी जो यूज़र है अपने आप खुद उसको इंसर्ट कर सकता। लेकिन इस केस में यह युक्तियाँ डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती हैं। तो यहाँ पे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के लिए ज़रूरत पड़ेगी ट्रेन प्रोफेशनल्स की, डॉक्टर्स की या नर्सेस की। आजकल विभिन्न प्रकार की अंतर्गर्भाशी युक्तियाँ उपलब्ध हैं, जैसे कि औषधि रहित इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, लिप्स लूप, तांबा मोचक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, कॉपर टी कॉपर 7 मल्टीलोड 375 एंड हार्मोन मोचक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस प्रोजेस्टासर्ट LNG-20। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस ये जो हैं, इनके लिए नर्स की ज़रूरत पड़ेगी या डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। सेल्फ इंसर्शन नहीं हो सकता, अपने आप नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये एक बार अगर लगा दी गई तो इनका एक निश्चित समय अवधि है, 3 साल से 5 साल तक के लिए यूज़ रहती है, उसके बाद ये बेकार है। उसके बाद इसको निकाल के नई अगर आप चाहते हैं तो इंसर्ट करा सकते हैं। तो एक बार लगा लेने से 3 से 5 साल जिस कैटेगरी की वो है काम चलता है, गर्भ निरोधक की तरह वो काम करती है। हाँ, इसमें कभी कभी क्या होता है कि ये फ्लश आउट हो जाती, बाहर निकल जाती, तो यूज़र के जाने बगैर, इसका ये ड्रॉबैक है, यूज़र के जाने बगैर, उसकी जानकारी के बगैर, यूज़र की जानकारी के बगैर कभी कभार ये फ्लश आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो इंसर्ट कर ली जाएगी किस पे, यूटेराइन के अंदर, उसकी आपकी तीन कैटेगरी में ये उपलब्ध है, नॉन मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड में लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग, कॉपर को रिलीज करने वाली, कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी कॉपर 7 मल्टीलोड 375 कॉपर को रिलीज करने वाली नॉन मेडिकेटेड, और हार्मोनल ऐसी हैं जो हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, हार्मोनल
हार्मोनल में आपका LNG20 और प्रोजेस्ट्रा सर्ट के नाम आते हैं, प्रोजेस्ट्रा सर्ट। तो ये आपको याद होना चाहिए, खूब क्वेश्चन आता है इसमें से, बहुत बार आता है। जैसे कि औषधि रहित IUD, ग्लिप्स लूप, तांबा मोचक, तांबा रिलीज करने वाली, कॉपर्टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, हार्मोन मोचक, हार्मोन रिलीजिंग इंटरायूटेराइन डिवाइस, प्रोजेस्ट्रा सर्ट, LNG20 आदि। इंट्रायूटेराइन डिवाइस गर्भाशय के अंदर कॉपर का आयन मोचित होने के कारण, वो वाली जो कॉपर रिलीजिंग है, कॉपर रिलीज होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया फैगोसाइटोसिस बढ़ा देता है। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो कॉपर रिलीज करती है, कॉपर रिलीज करेगी और कॉपर के गर्भाशय के अंदर कॉपर के रिलीज होने से शुक्राणुओं का भक्षाणु प्रक्रिया शुक्राणु को खाने की, फैगोसाइटोसिस शुक्राणु की भक्षाणु क्रिया बढ़ा देती है, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता और उसकी निषेचन क्षमता कम करती है। इसके अतिरिक्त इंट्रायूटेराइन डिवाइस हार्मोन को, तो अगर आपसे पूछा जाए क्या तरीका है, मोड ऑफ मैकेनिज्म क्या है, तो कॉपर रिलीजिंग जो है वो कॉपर रिलीज करती है, कॉपर फैगोसाइटोसिस बढ़ा देगी, किसका, स्पर्म्स का। तो स्पर्म्स की कैपेबिलिटी को, फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी को और उसकी मोबिलिटी को कम कर देगी, निषेचन क्षमता कम कर देगी। इसके अतिरिक्त इंट्रायूटेराइन डिवाइस हार्मोन को, जो हार्मोन रिलीजिंग है, वो क्या करेगी, गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हुए गर्भाशय को भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बना देगी। तो यहाँ पे अगर भ्रूण आया भी तो इम्प्लांट नहीं होगा, उसका अंतर रोपण नहीं होगा तो प्रेगनेंसी, गर्भधारण नहीं होगा। तो भ्रूण को रोपण के लिए अनुपयुक्त बना दिया, भ्रूण के रोपण के लिए गर्भाशय को अनुपयुक्त बना दिया, गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बना दिया। गर्भाशय ग्रीवा जब इंसेमिनेशन हुआ है, मेल पार्टनर ने अपने स्पर्म यहाँ रिलीज किए हैं वेजाइना में, तो उसने सर्वाइकल कैनाल को ही पार करके ऊपर जाना है। यहाँ सर्वाइकल कैनाल को उसने बना दिया क्या, उसने बना दिया उसको हॉस्टाइल कर दिया, विरोधी कर दिया, यहाँ का वातावरण स्पर्म के लिए विरोधी है, तो स्पर्म यहाँ पे सर्वाइव नहीं करेंगे। गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बना देता है। जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती हैं, उनके लिए IUD आदर्श गर्भ निरोधक है, एक ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है। भारत में गर्भ निरोधक की यह विधियाँ व्यापक रूप से प्रचलित हैं। ठीक है जी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस में आपने ये तीनों कैटेगरी को याद में रखना है, नॉन मेडिकेटेड, हार्मोनल और कॉपर रिलीजिंग, इन्हीं से आपका क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं, अब हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे आते हैं। ठीक है, तो तीन तरीके हम लोगों ने अभी तक बात कर लिए, नेचुरल मेथड के बाद हम लोगों ने बैरियर्स की बात कर ली है, बैरियर्स के बाद हम लोगों ने इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस की बात कर ली है। अब हम लोग आ रहे हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियों पे। महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक अन गर्भ निरोधक प्रोजेस्टिरोन अथवा प्रोजेस्टिरोन और ईस्ट्रोजन का संयोजन है। तो ये मुख द्वारा जो गोलियाँ ली जा रही हैं, मुख द्वारा खाई जाने वाली गोली, उस गोली में पिल जिसको बोलते हैं, गोली या पिल, उस गोली में या तो ईस्ट्रोजन है, उस गोली में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिरोन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, प्रोजेस्टिरोन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टिरोन ये कंबाइंड हो सकती है या केवल प्रोजेस्टिरोन हो सकता है। तो अब जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वह आपकी एज सच NCERT नहीं बोल रही, लेकिन इसको यहाँ पे अपने खाली सेक्शन में, जो आपका NCERT है, मैंने बोला जब भी मेरा लेक्चर देखें अपनी NCERT लेके बैठ जाएं। तो इस तरह की पिल्स जिसमें दोनों हैं, ऐसी पिल्स को हम लोग कंबाइंड पिल्स बोलते हैं।
ऐसी गोली जिसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों हैं, ईस्ट्रोजन भी है और प्रोजेस्टेरोन भी है। गोलियां दो तरह की हैं, या तो ऐसी प्रिपरेशन जिसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों है, इस तरह की पिल के लिए हम लोग बोलते हैं कंबाइंड पिल, और जिसमें केवल प्रोजेस्टेरोन हो ऐसी प्रिपरेशन भी है, प्रोजेस्टेरोन हो केवल जिसमें उसको हम लोग बोलते हैं मिनी पिल। ये लिख लीजिए आप। तो महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक प्रोजेस्टेरोन अथवा प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का संयोजन है, जिसे थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा लिया जाता है। मौखिक एडमिनिस्ट्रेशन, मुंह द्वारा खाई जा रही गोलियां, यह मुंह से टिकिया के रूप में ली जाती है और यह गोलियों पिल्स के नाम से लोकप्रिय है। यह गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है और इन्हें आतव चक्र के प्रथम पाँच दिनों मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए। अब आप फिर से आतव चक्र में आइए। अगर आपको आतव चक्र याद हो, आतव चक्र की शुरुआत किससे हुई? महावारी से। तो 1 से 5 दिन तक रहता है, वो आपका मेंस्ट्रुअल फेज कहलाता है। 6 से 13वें दिन तक प्रोलिफरेटिव फेज कहलाता है। 14वां दिन ओव्यूलेटरी फेज कहलाता है और 15 से 28 या 29 दिन तक आपका ये लुटियल फेज या सिक्रेटिव फेज कहलाता है। तो आतव चक्र की शुरुआत में पहले दिन से आपने शुरुआत कर ली, 21 दिन तक लेनी है, 21 दिन तक गोली लेनी है, शुरू के 21 दिन पहले दिन से शुरुआत करके। यह गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है और इन्हें आतव चक्र के प्रथम 5 दिनों मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए। गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंतर के बाद, जब पुनः ऋतुस्राव शुरू होता है, इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है। तो 21 टेबलेट ली, उसके बाद 7 दिन का गैप कुछ मत करिए, 28 दिन का सर्कल यहाँ मान के चल रहे, तो 28 दिन के बाद 29वें दिन पहला हो जाएगा फिर से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का, नेक्स्ट आतव चक्र का पहला दिन 29वां दिन। तो उस दिन से फिर आपने लेनी चालू करी, 21 दिन तक ली, फिर 7 दिन का गैप, फिर 21 दिन की ली, फिर 7 दिन का गैप, इस तरह से इसका ये चलेगा हिसाब किताब। तो 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है और इन्हें आतव चक्र के प्रथम 5 दिनों में मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए। गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंतर के बाद, जब पुनः ऋतुस्राव शुरू होता है, इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है। यह क्रम तब तक जारी रखना है, जारी रहता है जब तक कि गर्भ निरोध की आवश्यकता होती है। जब तक फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत है, कपल जो है, जो युगल है, वो चाहता है कि बच्चा ना हो, वो गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना चाहता है, तो जब तक वो गर्भ निरोधक गर्भ नहीं ठहरना देने चाहता, तब तक वो इन गोलियों को लेडी खाएगी, फीमेल पार्टनर खाएगा। 21 दिन तक खाया, 7 दिन का गैप, फिर 21 दिन खाया, फिर 7 दिन का गैप, फिर 21 दिन खाया, फिर 7 दिन का गैप, 21 दिन 7 दिन, इस तरह से ये चलता रहेगा प्रोसेस तब तक जब तक कि ये हस्बैंड वाइफ ये डिसीजन ना ले लें कि अब हमें बच्चा करना है। अगर बच्चा करना चाहते हैं तो इन गोलियों को तब खाना बंद कर दीजिए। इन्हें फिर से वैसे ही लिया जाता और यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि गर्भ निरोध की आवश्यकता महसूस हो रही है। यह अंडोत्सर्जन और रोपण को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता को बदल देती है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से यह काम करती है, जैसे पिछली बार हम लोगों ने इंट्रायूटेराइन डिवाइसिस के लिए देखा अलग अलग कैटेगरी का कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह कैसे काम करती है अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन को। तो ओव्यूलेशन को रोक रहा, ओव्यूलेशन ही नहीं होने देगा, यह अंडोत्सर्ग को संदमित कर देता है, रोक देता है रोपण को, अंतर रोपण को। अगर ओव्यूलेशन हो गया तो देखिए, अगर ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ तो फीमेल गैमेट ही नहीं आया, तो फ्यूजन कहाँ से होगा। लेकिन अगर ओव्यूलेशन हो गया तो ये फर्टिलाइजेशन होने से रोकेगा। कैसे? कि स्पर्म को पार करके जाना है क्या, सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल में क्या है? सर्वाइकल कैनाल में है म्यूकस, और वो म्यूकस अगर गाढ़ा हो जाए और ज़्यादा हो जाए, थिक और ज़्यादा हो जाए, काफ़ी मात्रा में हो जाए, तो स्पर्म्स ऊपर जा नहीं पाएंगे। ऊपर कहाँ से?
वेजाइना से ऊपर सर्वाइकल कैनाल से होते हुए यूटेरस से होते हुए मीटिंग पॉइंट पे एम्पुला पे। तो ये जो इनका मीटिंग पॉइंट है उस मीटिंग पॉइंट पे जा नहीं पा रहे, यहाँ पे काफ़ी थिक म्यूकस हो गया है। किसके एक्शन के कारण? ये जो पिल्स ली जा रही हैं गोलियों के एक्शन के कारण। तो अगर वो मेल पार्टनर ऊपर जा नहीं पा रहा, मेल गैमिट ऊपर जा नहीं पा रहा, यहाँ पे फीमेल गैमिट उसका इंतज़ार कर रहा कि आए और हम दोनों का मिलन हो और हम लोग बनाए जाइगोट और वो जाइगोट बनाए भ्रूण और वो भ्रूण जाके इम्प्लांट हो जाए, धस जाए एंडोमेट्रियम में और गर्भावस्था चालू हो जाए। फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो गर्भाधान कैसे होगा? तो पहली बात तो ओव्यूलेशन होने से रोकेगा, ओव्यूलेशन हो भी गया तो फर्टिलाइजेशन होने से रोकेगा, सर्वाइकल कैनाल के म्यूकस को थिक कर देगा, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन से रोकेगा। ये इस तरह से काम करती है ओरल पिल्स। अंडोत्सर्जन को रोक रही है, रोपण को संदमित कर रही है, साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता को भी बदल देती है, जिससे शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक लग जाती है अथवा उनकी गति मंद हो जाती है। यह गोलियां बहुत ही प्रभावशाली तथा बहुत कम दुष्प्रभाव वाली होती, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, हाईली इफेक्टिव हैं और वेरी लिटिल साइड इफेक्ट, और बहुत कम वेरी लिटिल साइड इफेक्ट है, बहुत कम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत कम साइड इफेक्ट है, तथा औरतों द्वारा यह खूब स्वीकार है और लेडीज इसको बहुत स्वीकार, उनको मतलब ये वेल एक्सेप्टेड है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती इसको लेने में। सहेली नामक नई, अब सहेली पे आ जाइए, बहुत इम्पोर्टेंट है। सहेली नामक नई गर्भ निरोधक गोली, जिसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है, एक गैर स्टीरॉयडल सामग्री है, स्टीरॉयड्स नहीं है उसमें सामग्री। सहेली जिसकी पहले भी चर्चा हुई है, गैर स्टीरॉयडल सामग्री है। एक तो ये बात याद में आपने रखना है, पूछा जाता सहेली के बारे में विशेषताएं। नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन है, नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन है पहली बात। यह हफ्ते में एक बार ली जाने वाली है, वंस इन अ वीक टेबलेट है, वंस इन अ वीक, तो वंस इन अ वीक टेबलेट है। इसके दुष्प्रभाव बहुत कम तथा उच्च निरोधक क्षमता वाली है, दुष्प्रभाव बहुत कम है और उच्च निरोधक क्षमता, ये इसकी खासियत है। तो वंस इन अ वीक टेबलेट है, नॉन स्टीरॉयडल है, साथ में दुष्प्रभाव बहुत कम है और उच्च गर्भ निरोधक क्षमता है। सहेली, सहेली डेवलप किसने करी थी? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने। ये सब बातें आपसे पूछी जाती हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले या ईस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन भी टीके या त्वचा के नीचे अंतरोप प्लांट इम्प्लांट के रूप में किया जा सकता है। अब हम लोग आ गए इंजेक्शंस पे, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इंजेक्शंस। तो स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले या ईस्ट्रोजन के साथ का संयोजन भी टीके के रूप में, गोलियां तो चली रही हैं, टीके के रूप में त्वचा के नीचे अंतरोप इम्प्लांट के रूप में किया जा सकता है, टीका और या तो इंजेक्शन या इम्प्लांट। इसके कार्य की विधि ठीक गर्भ निरोधक गोली की तरह, यह भी वही काम करती है, तथा काफ़ी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली और फॉर लॉन्ग टाइम वो इफेक्टिव रहेगा, टीका या इम्प्लांट। मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही सेक्सुअल इंटरकोर्स के विदिन 72 आवर्स के भीतर ही प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन संयोजन को प्रयोग या इंट्रायूटेराइन डिवाइस के उपयोग को आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी पाया गया। तो अगर मैथुन हो गया अनप्रोटेक्टेड, असुरक्षित मैथुन हो गया और 72 घंटे के अंदर लेडी ने, महिला ने यूज़ कर लिया इम्प्लांट, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का प्रिपरेशन,
72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्टिरोन या प्रोजेस्टिरोन ईस्ट्रोजन संयोजन का प्रयोग या इंट्रायूटेराइन डिवाइस का उपयोग। तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टिरोन टेबलेट ले ली कॉम्बिनेशन, या ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टिरोन का इंजेक्शन लगवा लिया या इम्प्लांट लगवा लिया, या इंट्रायूटेराइन डिवाइस को यूज़ कर लिया, तो ये एक एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और इन्हें बलात्कार या समान असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाले संभावित संगर्भता से बचने के लिए लिया जा सकता है। तो रेप का विक्टिम कोई है, रेप बलात्कार हो गया किसी महिला का, और वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के इन दिनों में है, 10 से 17 दिन वाला पीरियड के, तो बहुत हद तक चांसेस बन जाएंगे कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो उसके लिए अब रेप के विक्टिम कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसका कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना चाहे, उसके दुष्परिणाम झेलना चाहे, मतलब रेप प्रेगनेंसी का कारण बन जाए, ये उसके लिए और भी ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा की बात होगी लेडी के लिए। तो लेडी क्या कर सकती है, लेडी ये कर सकती है, रेप का विक्टिम ये कर सकता है, अगर उसके इन दिनों के फर्टाइल डेज में है अपने, तो उसको आप ये सजेस्ट कर सकते हो कि प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का या तो गोलियां खा ले, या इंजेक्शन लगवा ले, या इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंसर्ट करा ले, तो ये विद इन 72 आवर्स। लेकिन ड्यूरेशन याद रखिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और ये भी पूछा जाता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में है क्या ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टिरोन का कॉम्बिनेशन है या प्रोजेस्टिरोन एलोन। इसको ले लेंगे विद इन 72 आवर्स अनप्रोटेक्टेड सेक्स, आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, जैसे कि रेप और कैजुअल या लापरवाही से समान या सुरक्षित। तो हस्बैंड वाइफ गए कहीं पे और माहौल बन गया रूप तेरा मस्ताना टाइप, और उनसे कंट्रोल ना हुआ और उन्होंने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया, लेकिन वो नहीं चाहते भी प्रेगनेंसी हो। तो क्या कर सकती है लेडी, लेडी कर सकती है विद इन 72 आवर्स यूज़ कर ले किसको, प्रोजेस्टिरोन या प्रोजेस्टिरोन ईस्ट्रोजन के प्रिपरेशन को, तो उससे संभावित गर्भसंगर्भता से बचने के लिए लिया जा सकता है। ठीक है जी, क्लियर। शल्य चिकित्सा, शल्य क्रिया विधियाँ जिसे बंधकरण भी कहते हैं, तो ये हो गया हमारा इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, और उसके अलावा हमारे इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस के बारे में जानकारी। तो इंजेक्शंस भी उपलब्ध हैं जो कि प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन की प्रिपरेशन है, इम्प्लांट्स भी उपलब्ध हैं जो कि प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन की प्रिपरेशन। और इम्प्लांट्स ये फोर आर्म में स्किन के नीचे अबव द एल्बो ज्वाइंट इसको किया जाता है इंसर्ट, इम्प्लांट्स को। छः ये होती हैं, छः मैच स्टिक टाइप की, तो यहाँ पे बात लिखी नहीं गई है, छः मैच स्टिक माचिस की तीली के समान ये रचनाएं हैं जिनको इंसर्ट कर दिया जाता है अपर आर्म में, ऊपरी भुजा में, कोहनी के ऊपर और स्किन के नीचे, और ये धीरे धीरे अपना रिलीज करते रहेंगे इम्प्लांट्स। ये प्रिपरेशन ऐसी जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन है, रिलीज करती रहेंगी हार्मोन स्लोली और लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए, 4-5 साल की फुर्सत है। शल्य चिकित्सा विधियाँ, अब हम लोग आखिरी में आ रहे हैं सर्जिकल मेथड, शल्य चिकित्सा विधियाँ जिसे बंधकरण भी कहते हैं, प्रायः उन लोगों के लिए सुझाई जाती हैं जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए। तो ये एक तरह से टर्मिनल मेथड है। टर्मिनल मेथड मतलब अभी तक जो हम लोगों ने मेथड डिस्कस किए हैं टिल नाउ, वो सब रिवर्सिबल हैं। जितने भी मेथड अभी तक हमने डिस्कस किए हैं वो सब रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब जब तक आप उसको यूज़ कर रहे हैं वो गर्मी रोधक है, और जिस दिन आप उसको यूज़ करना छोड़ देंगे लेडी कैन सस्टेन द प्रेगनेंसी, लेडी प्रेगनेंट हो सकती है। तो जब तक यूज़ कर रहे हैं तब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, लेकिन जिस दिन यूज़ करना डिसकंटिन्यू करेंगे बच्चा फिर से वो लोग पैदा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बार अगर शल्य चिकित्सा करा दी तो ये टर्मिनल मेथड है, ये नॉन रिवर्सिबल है। इसको अगर आप चाहें फिर से हम सर्जरी करा के फिर से हमने जो काट दिया है उसको रिस्टोर कर दें, पुनः स्थापित कर दें, तो ये काम मुश्किल है, थोड़ा हो नहीं पाता। शल्य क्रिया विधियाँ जिसे बंधकरण भी कहते हैं, प्रायः उन लोगों के लिए सुझाई जाती हैं जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए, तथा वह इसे स्थायी माध्यम के रूप में अपनाना चाहते हैं।
शल्य क्रिया की दखलअंदाजी से युग्मक परिवहन रोक दिया जाता है, तो गैमीट का ट्रांसपोर्टेशन रोक दिया जाएगा, फलतः गर्भाधान नहीं होगा, तो गैमीट पहुंचेगा नहीं अपने मीटिंग पॉइंट पे, जो उन्होंने मीटिंग पॉइंट तय कर रखा है वहाँ पे गैमीट पहुँचेगा नहीं। तो होगा क्या, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अतः फला गर्भाधान नहीं होता। ठीक है जी। बंधकरण प्रक्रिया को पुरुषों के लिए शुक्रवाहक उच्छेदन, शुक्रवाहक उच्छेदन वैसेक्टोमी, वासा डेफरेंस को काट दिया जाएगा, उसको अलग कर, तो उसको हम लोग लाइगेट काट के बांध देंगे, ब्रेक कर देंगे रास्ता। तथा महिलाओं के लिए डिम्बवाहिनी फैलोपियन ट्यूब को हम लोग काट के लाइगेट कर देते हैं, नलिका उच्छेदन ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी नाम है शुक्रवाहक उच्छेदन और नलिका उच्छेदन, क्योंकि जेंट्स में हम लोग वास डेफरेंस को काट के लाइगेट कर रहे हैं, वास डेफरेंस को काट के लाइगेट कर रहे हैं, और इसमें हम लोग फेलोपियन ट्यूब को काट के लाइगेट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग शुक्रवाहक उच्छेदक और महिलाओं के लिए नलिका उच्छेदन कहा जाता है। जन साधारण इन क्रियाओं को पुरुष या महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं, तो ले मैन इनको पुरुष या महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं। शुक्रवाहक उच्छेदन में अंडकोश शुक्रवाहक में चीरा मारकर छोटा सा भाग काटकर निकालकर अथवा बांध दिया जाता है। तो अंडकोश में सक्रोटम में शुक्रवाहक उच्छेदन में अंडकोश सक्रोटम में शुक्रवाहक में चीरा मारकर तो अगर आपको सीरीज ध्यान हो, सेमनीफरस ट्रिब्यूल्स में बन रहे स्पर्म, सेमनीफरस ट्रिब्यूल से आते हैं रेटेड एस्टिस से आते हैं वासाई फ्रेंशिया से आते हैं एपिडिडाइमिस से आते हैं वास डेफरेंस। ये था इसकी सीक्वेंस, हम लोगों ने वास डेफरेंस को काट के लाइगेट किया। तो कहाँ पे आपने चीरा लगाया, सक्रोटम में, शुक्रवाहक में चीरा काटा, चीरा मारकर छोटा सा भाग काटकर निकालकर अथवा बांध दिया, जबकि स्त्री के उदर में और लेडी में कैसे करना, उदर में छोटा सा चीरा मारा अथवा योनि द्वारा डिम्बवाहिनी नली का छोटा सा भाग निकाल दिया जाता है या बांध दिया जाता है। यह तकनीक बहुत ही प्रभावशाली है तथा इसमें पूर्व स्थिति लाने की गुंजाइश बहुत कम है, पहली स्थिति फिर से ला दें ये इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बहुत कम चांसेस हैं। तो एक बार अगर लाइगेट कर दिया, अब ये देखिए रास्ता, ये थे टेस्टिस, टेस्टिस से सेमनीफरस ट्यूब्यूल, सेमनीफरस से रेटेड टेस्टिस, रेटेड टेस्टिस वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंशिया, ये वास डिफरेंशिया को काट के लाइगेट कर दिया, बांध दिया, काट के लाइगेट कर दिया, बांध दिया। तो स्पर्म जाएंगे नहीं कहाँ पे, इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट में नहीं जाएंगे तो इजैकुलेशन में स्पर्म्स आएंगे नहीं, रास्ता ही यहाँ पे काट दिया गया, ये है। तो मेन पूछा जाता नाम क्या है, नेम है वैसेक्टोमी, किसको काटा गया है, वास डिफरेंस को काटा गया, शुक्रवार को काटा गया, काट के लाइगेट बांध दिया गया, शुक्रवार बांधा हुआ और काटा हुआ, ठीक है जी। और इसको पुरुष की नसबंदी, इधर फीमेल में, तो ये हमारा फीमेल में ये फेलोपियन ट्यूब का भाग, इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला, फिर ईस्थमस, फेलोपियन ट्यूब को हम लोगों ने काट के लाइगेट कर दिया, काटा है और लाइगेट कर दिया है, बांध दिया। तो शुक्रवाहक उच्छेदन में शुक्रवाहक में चीरा मारकर छोटा सा भाग काट कर निकाल दिया गया अथवा बांध दिया जाता है, जबकि स्त्री के उदर में छोटा सा चीरा मारकर अथवा योनि द्वारा डिम्बवाहिनी नली का छोटा सा भाग निकालकर बांध दिया जाता है, योनि द्वारा डिम्बवाहिनी नली का, डिम्बवाहिनी नली फेलोपियन ट्यूब का छोटा सा भाग निकाल दिया, बांध दिया।
यह तकनीक बहुत ही प्रभावशाली है और इसमें पूर्व स्थित लाने की गुंजाइश पूर्व स्थिति लाने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल मेथड। आखिरी में बिल्कुल यहाँ पर इस बात को जोर देने की ज़रूरत है कि उपयुक्त गर्भ निरोधक उपायों का चुनाव अथवा उपयोग किसी शिक्षित चिकित्सा कर्मी या विशेषज्ञ की परामर्श द्वारा किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य के रखरखाव हेतु गर्भ निरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होते, कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए गर्भ निरोधक जो हैं वो लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह से तो बल्कि आप प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा रहे हैं। हम लोग प्रकृति के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं क्योंकि अभी हम नहीं चाहते बच्चा हो। वास्तव में इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन जैसे गर्भाधान संगर्भता के विरुद्ध है। तो प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें हो रही हैं रिप्रोडक्शन या कॉन्सेप्शन गर्भाधान प्रेगनेंसी ये उसके विरुद्ध है। इनके बावजूद व्यक्ति का इन विधियों को इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है। इसके बावजूद भी हम लोग को विवशता में इन चीज़ों को अपनाना पड़ रहा, फिर चाहे संगर्भता को रोकने की बात हो, प्रेगनेंसी को डिले करने की बात हो या रोकने की बात हो, या अंतराल रखने का कोई निजी कारण हो, या दो बच्चों के बीच में आप गैप चाहते हो। इसमें संदेह नहीं कि इन विधियों के व्यापक उपयोग ने जनसंख्या की अनियमित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस विधियों के उपाय से उपयोग से जनसंख्या का जो अनकंट्रोल्ड बर्स्ट हो रहा था बहुत तेज़ी से फैल रहा था, थोड़ा बहुत उसमें रोकने में गुंजाइश बनी है। फिर भी इन उपायों के संभावित दुष्प्रभावों में, लेकिन इन उपायों के कुछ ना कुछ जब आप हस्तक्षेप करते हैं प्रकृति से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट में है उधर में पीड़ा, मतली, जी मिचलाना, नौजिया, बीच बीच में रक्तस्राव हो सकता है, अनियमित आतुर रक्तस्राव, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इरेगुलर हो जाएगा, और यहाँ तक कि स्तन कैंसर जैसी बातें भी हो सकती हैं। यद्यपि यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इनकी पूरी तरह से उपेक्षा नहीं करी जा सकती। तो अब हम लोग आके कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं टॉपिक ख़त्म होने के बाद क्वेश्चन। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखें। हाँ जी, तो हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव सेक्शन पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं क्या? तो ऐसी टेक्निक, ऐसे यूज, ऐसी डिवाइसेस, ऐसे प्रक्रिया, ऐसी चीज़ें जो गर्भाधारण को रोके उनको बोलेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स की आपने देखी थी, एक तो आपके प्राकृतिक तरीकों से है, परंपरागत, प्राकृतिक और परंपरागत, ठीक। दूसरा इसके अलावा आपके हो सकते हैं पारंपरिक या बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के बाद IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मौखिक, उसके बाद आपके इंजेक्शन, उसके बाद आपके इम्प्लांट्स, उसके बाद आपके सर्जिकल मेथड। इतने तरीके हम लोगों ने डिस्कस किए। प्राकृतिक में तीन आपने डिस्कस किए, एक तो सावधिक, आवधिक आपका संयम, पीरियोडिक एब्सिनेंस, लैक्टेशनल एमिनेरिया, कोइटस इंटरप्टस। बैरियर में नर और मादा दोनों तरह के, और पुरुष में आपका कंडोम, फीमेल में भी कंडोम, और फीमेल में आपका वॉल्ट बैरियर, वॉल्ट बैरियर की तरह काम कर रहा, सर्वाइकल कैप, डायाफ्राम। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस तीन तरह की हैं, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड में लिप्स लूप, हार्मोनल में हार्जोनमन, प्रोजेस्टासर्ट, LNG 20, और हमारी कॉपर रिलीजिंग कॉपर्टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ओरल में दो तरह की पिल्स हैं, कंबाइंड पिल्स और मिनी पिल्स। कंबाइंड पिल्स वो हैं जिसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टिरोन दोनों हैं, मिनी पिल वो है जिसमें केवल प्रोजेस्टिरोन है। सहेली नॉन स्टीरोइडल प्रिपरेशन है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप करी है, 1 सीना वीक टेबलेट है। इसके अलावा कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या IUD जो कि प्रोजेस्टिरोन ईस्ट्रोजन प्रिपरेशन है, उनको हम लोग विद इन 72 आवर्स ऑफ अनकंट्रोल्ड सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स।
इंजेक्शंस उपलब्ध हैं जो कि प्रिपरेशन है प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन के, इसी तरह से इम्प्लांट्स हैं, ये एक बार आप लगा लेंगे तो सालों साल की फुर्सत। सर्जिकल मेथड में ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी है, ये आपके सारे जिक्र हैं। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल एक ना एक आता है। सर्जिकल मेथड हमारे एक तरह से टर्मिनल मेथड है, नॉन रिवर्सिबल है, बाकी सारे के सारे रिवर्सिबल हैं। ज़्यादातर में जो इंडिया में हिट हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हिट हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हिट्स हैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इसलिए हिट हैं कि एक तो लेडी को प्राइवेसी देती हैं, दूसरा इनके साइड इफेक्ट बहुत कम है, ईजी टू ऑपरेट है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में भी यही सब खासियत है। बैरियर भी कंडोम वगैरह भी लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि इनको एक एक्स्ट्रा माइलेज है कि ये साथ के साथ एक तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव तो है ही, लेकिन साथ के साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो बैरियर भी काफ़ी लोकप्रिय है। ठीक है जी, ये हो गया आपका हिसाब किताब, थोड़ा सा कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में जानकारी। इस पूरे चैप्टर में कॉन्ट्रासेप्टिव वाला सेक्शन आपका बहुत हाई वेटेड चैप्टर है, हाई वेटेड टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आपका आता है, और आर्ट इससे क्वेश्चन आता है। इसके अलावा अगर वो इधर उधर होंगे तो आपको क्वेश्चन वो पूछेंगे एमनियोसेंटेसिस से पूछ सकते हैं, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से पूछ सकते हैं। वैसे हर साल उनका जो बिल्कुल प्री टॉपिक है वो आपका कॉन्ट्रासेप्टिव और आर्ट है, ये प्रायोरिटी है हम हर साल की। लेकिन अगर थोड़ा सा वो मूड अपना बदलते हैं तो इससे निकल के आर्ट और कॉन्ट्रासेप्टिव से निकल के वो हमारा एमटीपी में एंटर हो सकते हैं या एमनियोसेंटेसिस में एंटर हो सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग देखें लैक्टेशनल एमिनेरिया का क्या अर्थ है। ये हम लोग लास्ट वी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं लैक्टेशनल एमिनेरिया का क्या अर्थ है। तीव्र स्तनपान के दौरान मासिक धर्म की अनुपस्थिति, तो ऐसा माना जाता है और ख़ासतौर पर रूरल एरिया में गांव खेड़े में कि भाई जब तक लेडी एक्टिवली लैक्टेटिंग है, बच्चे को सक्रिय रूप से स्तनपान करा रही है, उसमें गर्भधारण नहीं होगा, तो 2 साल तक भी वो ये मानते थे। लेकिन आज की तारीख में हम लोग जानते हैं कि ये अवधि मतलब 2 साल नहीं, 6 महीने तक, बच्चा पैदा होने के 6 महीने बाद तक, उसके बाद भी वो दूध पिलाती रहे लेकिन चांस हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो जाए, हाँ 6 महीने तक नहीं होगी। कारण क्या है इसका समझ लीजिए, अपनी बुक में उसने जिक्र नहीं किया लेकिन समझ लीजिए, प्रोलैक्टिन की मात्रा बहुत होती है, प्रोलैक्टिन का कंसंट्रेशन हाई होता है लैक्टेटिंग मदर में, और हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन क्या करता है, LH लुटिनाइजिंग हार्मोन और FSH इसके सिक्रीशन को लो कर देता है। LH FSH का लो सिक्रीशन ओव्यूलेशन नहीं होने देता, ओव्यूलेशन को नहीं होने देगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी हो जाए, हो ही नहीं सकता, ये है लॉजिक इसके पीछे। ठीक, चलिए आगे चलें। फेम शील्ड क्या है भाई, फेम शील्ड हमारा बाधा गर्भ निरोधक है, तो ये बाधा गर्भ निरोधक होता है, फेम शील्ड बैरियर मेथड में आता है। योनि डायफ्राम भी बैरियर मेथड में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्भ निरोधक की बाधा बैरियर मेथड में नहीं आता, कंडोम बैरियर मेथड है, डायफ्राम बैरियर मेथड है, सर्वाइकल कैप बैरियर मेथड है, कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ये क्या है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, इसको हम बैरियर मेथड में नहीं गिनते, तो आपका जवाब हो जाएगा डी। हार्मोन विमोचन अंतर्गर्भाशीय उपकरणों का चयन करें, हार्मोन रिलीजिंग कौन है भैया, प्रोजेस्टासर्ट और LNG20, ये दो हमारी हार्मोन रिलीजिंग, प्रोजेस्टासर्ट LNG20 यू शुड गो विद इट। देखिए नीट 2019 का क्वेश्चन है, ये नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपसे बोला ना उनका हिट, उनका पसंदीदा विषय यही है कॉन्ट्रासेप्टिव और आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आएंगे अभी उसको पढ़ानी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, नीट 2019 में उड़ीसा में, नेशनल लेवल पे नहीं, ये हमारा रीजनल लेवल पे, एक बार डालने के बाद IUD को बदलने की ज़रूरत नहीं होती, ये कथन सही है गलत है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस की भी एक उम्र है, 3 साल या 5 साल तक वर्किंग वो रह सकती है,
लेकिन उसके बाद नॉन फंक्शनल हो जाती है, तो उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बात सही नहीं है कि एक बार इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आपने इंसर्ट कर ली तो लाइफ लॉन्ग हो जाएगी, फिर ज़रूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है। IUD आमतौर पर उपयोगकर्ता द्वारा स्वयं इंसर्ट किया जाता है, स्वयं अंदर डाला जाता है, गलत है। इसके लिए आपको नर्सेस की या डॉक्टर की ज़रूरत है। IUD गर्भाशय में शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं। तो IUD जो कॉपर रिलीजिंग है, कॉपर रिलीजिंग क्या करेंगे, फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देंगे, ये कथन सही है। IUD युग्मन युग्मक जनन को, स्पर्मेटोजेनेसिस को या ओजेनेसिस को दबा देता है, रोक देता है, कम कर देता है, गलत है, नहीं ऐसा नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। स्टेटमेंट सही कौन सा है, IUD गर्भाशय में शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है। गर्भ निरोधक सहेली नीट 2018 का क्वेश्चन है बच्चा, मेरे बच्चा देखो, एक IUD है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, तो भैया ये ओरल पिल है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस नहीं है। गर्भाशय में एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, अंडे को प्रत्योपित होने से रोकता है। जी हाँ, ये नीट 2018 में आया था। आप बोलो सर ये तो चीज़ कहीं लिखे नहीं है आपके NCERT में बाहर से, तो कह सकते हैं बाहर से। देखिए 2018-17 ये चालू हुआ, जब से नीट 13 से, उसके बाद बहुत ज़्यादा नीट में पैटर्न में चेंज आया है। और आज की तारीख में गवर्नमेंट के बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं। आज की तारीख में जो हमारा नीट 2021 हुआ, उसमें देखिए एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। तो आने वाला भी जो नीट है, बिल्कुल आपको 100% NCERT से मिलेगा। गर्भाशय में एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, ठीक है, इसको आप टिक लगाइए। अब देखिए ये अगर आप पढ़ के नहीं गए, लेकिन आप वहाँ लॉजिक लगा के इसका जवाब दे सकते थे। IUD है ये तो पता है, नहीं है। प्रसवोत्तर गर्भ निरोधक है, तो प्रसव के बाद वाला, प्रसव जब हो गया भैया फिर क्या काम का। ईस्ट्रोजन की सांद्रता बढ़ाएगा और महिलाओं में ओव्यूलेशन को रोकेगा। तो हम लोगों ने बोला भैया कि ईस्ट्रोजन की सांद्रता कैसे, जब नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन है तो ईस्ट्रोजन की सांद्रता कैसे बढ़ाएगा, और ईस्ट्रोजन की सांद्रता बढ़ने से ओव्यूलेशन रुकेगा, नहीं रुकेगा। ईस्ट्रोजन बम्प आता है तब LH सर्ज होता है, ईस्ट्रोजन पहले बढ़ता है फिर LH बढ़ता है फिर ओव्यूलेशन होता है। तो ईस्ट्रोजन की सांद्रता बढ़ाने से महिलाओं में ओव्यूलेशन रुकेगा, बात ये भी मज़ेदार जमती नहीं है। हाँ, ये वाला जो आप पढ़ के नहीं गए, लेकिन अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगा लेंगे, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को अगर उसने ब्लॉक कर दिया, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को अगर ब्लॉक कर देगा गर्भाशय में, तो गर्भाशय का जो बेड तैयार हो रहा है वो किसकी वजह से तैयार हो रहा है, ईस्ट्रोजन की। जो एंडोमेट्रियल बेड तैयार होता है, तैयारी के लिए ईस्ट्रोजन जिम्मेदार है और उसकी मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए प्रोजेस्टेरोन जिम्मेदार है। तो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर अगर ईस्ट्रोजन वहाँ पर इफेक्ट ही नहीं कर पाएगा तो गर्भाशय तैयार नहीं होगा, सीधी सी बात। तो आपको इसको टिक लगा लेना चाहिए लॉजिक लगाते हुए। एक मौखिक साप्ताहिक गर्म निरोधक है, विवन सिन्हा वीक, एक मौखिक साप्ताहिक गर्म निरोधक है। सहेली जो होता है वन सिन्हा वीक टेबलेट है, बाकी माला ए माला डी ये आपकी डेली टेबलेट्स हैं। LNG 20 आपका इंटरायूटेराइन डिवाइस है, हार्मोनल। हार्मोन विमोचन करने वाले अंतर्गाशी गर्भाशय उपकरणों का प्रयोग करें। तो अभी हम लोग ये बात करके आए हैं, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन नीट 2019, तो इसको हम लोग कर चुके हैं। इसको निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, इसका भी डिस्कशन हो चुका। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन जारी करने वाला IUD है, हार्मोन रिलीजिंग, तो ये आपका 2016 में आया। देखिए बार बार वही क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा जा रहा। तो हार्मोन रिलीजिंग कौन सा है, LNG 20, ठीक है, नीट 2016 का क्वेश्चन है। पुरुष नसबंदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है, वासा डिफरेंशिया काटा बांधा हुआ है, सही है, वास डिफरेंशिया को ही तो हमने काटा है। अपरिवर्तनी बांझपन है, इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है, एक बार कर दिया अब आप उसको फिर से जोड़ दीजिए, ऑपरेशन करिए, लेकिन उसकी सक्सेस रेट बहुत कम है, हम कह सकते हैं रिवर्सिबल है।
एपिडिडाइमिस में कोई शुक्राणु नहीं होता, वीर रस में कोई शुक्राणु नहीं होता, वीर रस में कोई शुक्राणु नहीं होगा, सीमन में शुक्राणु नहीं आएगा, क्योंकि रास्ता ही ब्लॉक कर दिया आपने। इधर से टेस्टिस से ये निकले हमारे वासाइफ्रेंशिया एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस, और उसको यहीं पर ब्लॉक काट दिया, तो वो इजाकुलेटरी डक में सबाइनल प्लाज्मा की डक्ट आई, और ये इजाकुलेटरी डक्ट यूरिथ्रा में जो खुल रही है वहीं पे हमने जब उसको लाइगेट कर दिया तो वीर रस में शुक्राणु नहीं आएगा। एपिडिडाइमिस में कोई शुक्राणु नहीं होता, ये गलत है। एपिडिडाइमिस जो आप रास्ता ट्रैक देखिए, याद करिए, ट्रैक में सबसे पहले सेमनी फर्स ट्रिब्यूल, जो स्पर्म बने रिलीज हुए रेटेड टेस्टिस में, रेटेड टेस्टिस से आए वासा इफ्रेंशिया में, वासा इफ्रेंशिया से आए एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस से आए वासा डेफरेंस में। हमने तो यहाँ ब्लॉक किया है ना, एपिडिडाइमिस में तो है ना, एपिडिडाइमिस में कोई शुक्राणु नहीं आ रहे, वो इस रास्ते से आ रहे हैं, हमने यहाँ पे रास्ता ब्लॉक किया, तो इस रास्तों में तो है ना भैया शुक्राणु, एपिडिडाइमिस में कोई शुक्राणु नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है जी, यही स्टेटमेंट गलत है। नीट 2016 का क्वेश्चन है, अगर आपको इसका पैसेज का या स्पर्म्स के पास होने का रास्ता ध्यान है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे, लॉजिक लगा लेंगे, लॉजिकल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना मानव मादा में ओव्यूलेशन से जुड़ी नहीं है? स्ट्रॉइडल में कमी, ग्रेफियन फॉलिकल का विकास, माध्यमिक सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक ओओसाइट की रिहाई, माध्यमिक की जगह द्वितीयक ओओसाइट की रिहाई LSH, ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं ओव्यूलेशन से। ओव्यूलेशन से क्या नहीं जुड़ा? स्ट्राइडल में कमी, बल्कि स्ट्राइडल बढ़ता है, कमी नहीं होती। तो ग्रेफियन फॉलिकल पूरा विकास होगा, वही फटेगा, तब ओव्यूलेशन होगा। सेकेंडरी ओओसाइट हमारी द्वितीयक ओओसाइट, माध्यमिक नहीं, द्वितीयक कर लीजिए, द्वितीयक ओओसाइट की रिहाई, द्वितीयक ओओसाइट रिलीज होगा, ठीक बात है, LSH होगा, ठीक बात है। तो ये तीनों बातें जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो बात जुड़ी नहीं है वो बात कौन सी है? वो बात ये बात है, स्ट्राइडल में कमी, स्ट्राइडल में कमी नहीं होती, बल्कि स्ट्राइडल बढ़ता है, उसके बाद LSH होता है, उसके बाद ओव्यूलेशन होता है। कॉपर टी एक ऐसा उपकरण है जो रोकता है, किसको रोकेगा भाई? कॉपर टी निषेचन को, फर्टिलाइजेशन को रोकेगा। कैसे रोकेगा? कॉपर रिलीजिंग, कॉपर क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं स्पर्म्स की, और मोबिलिटी कम कर देते हैं, ब्लास्टोसिस का प्रतिरोपण, ये साथ के साथ हमारे इंटरयूटेराइन डिवाइसेस क्या कर रहे हैं, गर्भाशय को हॉस्टाइल बना रहे हैं, गर्भाशय को अनफेवरेबल बना रहे हैं फॉर द इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के ना हो इस तरह का बना रहे हैं, तो ब्लास्टोसिस का प्रतिरोपण को रोक रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी, ए और बी दोनों इस तरह से काम कर रहा है। असंग का चयन करें विद रेफरेंस टू LNG20। इसमें से कौन सा कथन LNG20 के लिए सही नहीं है? एंड्रोमेट्रियल परिवर्तनों को दबाता है, तांबा जारी करता है, इम्प्लांटेशन को कम करता है, ग्रीवा बलगम को प्रकृति में परिवर्तन करता है। तो LNG20 काम कैसे कर रहा है? एंड्रोमेट्रियल परिवर्तन को, इसका मतलब एंड्रोमेट्रियम में होने वाले परिवर्तन नहीं होने देता, तो एंड्रोमेट्रियम बेड की तैयारी नहीं होने देगा, ठीक बात है, यही करता है। तांबा जाहिर करता है, तांबा रिलीजिंग नहीं है, तांबा रिलीजिंग हमारे कॉपर टी है, कॉपर 7 है, और कॉपर मल्टीलोड 375, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। तो तांबा जाहिर करता है, ये बात गलत है, तांबा जाहिर नहीं करता, इम्प्लांटेशन को रोकता है, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा क्योंकि एंडोमेट्रियल बेड को उसने प्रोलिफरेट नहीं होने दिया है। ग्रीवा बलगम की प्रकृति में परिवर्तन, तो सर्वाइकल म्यूकस, जो वहाँ पर म्यूकस है, बलगम या हिंदी में म्यूकस, उसको उसने थिक कर दिया, गाढ़ा कर दिया, जिससे स्पर्म ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो असंगत बात कौन सी है? असंगत बात है कि तांबा जारी करता, तांबा रिलीज नहीं करता, ये तीनों काम वो करता है। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प यही है कि ये तांबा जारी करता है, गलत है।
LNG 20 IUD है जो LNG को छोड़ता है। LNG क्या है? लोअर नॉजेस्टेरॉल एंड्रोमेट्रियल एट्रॉफी को कारण बनता है। एंड्रोमेट्रियल एट्रॉफी, एट्रॉफी मतलब प्रोलीफरेशन नहीं होने देगा, आरोपण को रोकेगा, स्ट्रोमा को बदल देता है, आरोपण को रोकेगा क्योंकि वहाँ पे सेल्स के विन्यास को बदल दिया, या गर्भाशय में शुक्राणु फैगोसाइटोसिस को भी बढ़ाता है। तो ये सारे काम ये कर रहा है, बस ये काम नहीं कर रहा कि तांबा जारी करता है। निम्नलिखित में कौन सा अंतर गर्भाशयी उपकरण नहीं है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस नहीं है? प्रोजेस्टासर्ट है, मल्टीलोड 375 है, लिप्स लूप है, नॉर प्लांट नहीं है। नॉर प्लांट इम्प्लांट है, चमड़े के नीचे, स्किन के नीचे इम्प्लांट के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। वो जो मैच स्टिक आपको मैंने दिखाई, नॉर प्लांट उसका व्यापारिक नाम है, हमारा ट्रेड नेम है, नॉर प्लांट के नाम से उपलब्ध है। अंतर गर्भाशय उपगर्भ निरोधक उपकरणों का मुख्य नुकसान क्या है? उपकरणों को स्थायी रूप से गर्भाशय में रखा जाता है, अगर संपत्ति दंपत्ति बच्चा चाहता है तो भी हटाया नहीं जा सकता, गलत बात है, रिमूव किया जा सकता है, और अगर दंपत्ति बच्चे चाहते हैं तो उसको रिमूव करके फिर से बच्चे को कर सकते हैं। डिवाइस को चिकित्सीय द्वारा योनि के माध्यम में गर्भाशय में डाला जाता है, हाँ जी ये बात तो सच है, लेकिन ये उसने पूछा है मुख्य नुकसान क्या है, ये मुख्य नुकसान नहीं है, ये तो उसमें एक ड्रॉबैक है कि यूज़र खुद नहीं इंसर्ट कर सकता, उसको ट्रेंड प्रोफेशनल की ज़रूरत है। इस्तेमाल करने वालों की जानकारी के बिना उपकरणों को बाहर निकल सकता, हाँ ये बात सही है कि इस्तेमाल करने वाले की जानकारी के बगैर, विदाउट उसकी नॉलेज में आए बगैर, कई बार ये फ्लश आउट हो जाता है, निकल जाता है वजाइना के रास्ते से, ये इसकी ड्रॉबैक है। पहनने वालों की, इस्तेमाल करने वालों की जानकारी के बगैर उपकरणों को बाहर निकाल दिया जाता है, समटाइम्स ये एक्सीडेंटल इसका फ्लश आउट हो गया, ये ऐसा हो जाता है, ये इसका एक नुकसानदेह बात है। ओरल पिल्स के बारे में हम लोग जानकारी कर चुके, आगे चलते हैं। जन्म नियंत्रण की गोलियों में प्रयुक्त पदार्थ, ओरल पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में प्रयुक्त पदार्थ क्या है? प्रयुक्त पदार्थ जो है वो हमारा नोवेस्टेरॉल है, ये इस्ट्रोजन स्टीरोइडल का सिंथेटिक रिप्लेसमेंट है, तो ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, आप इसको छोड़ दो, इसके चक्कर में मत लगो, अब नीट में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। नोवेस्टेरॉल हमारा एक सिंथेटिक रिप्लेसमेंट है इस्ट्रोइडल का, इस्ट्रोजन का। मुख मौखिक गर्भ निरोधक गर्भावस्था को रोकता है, डिंब को खत्म करके, ना डिंब को खत्म नहीं करता, निषेचन अवरुद्ध करना, ओव्यूलेशन को रोकना, ओव्यूलेशन को रोकना, इसमें प्रोजेस्टेरॉन या इस्ट्रोजन या केवल प्रोजेस्टेरॉन है, तो मेन इनका जो काम करने का तरीका है, ओव्यूलेशन को रोकते हैं, ओव्यूलेशन को रोकेंगे, जिससे ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कैसे होगी, इनका मेन मोड ऑफ एक्शन क्या है, ओव्यूलेशन को रोकते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां नहीं करती, शुक्राणु निकलना, ग्रीवा बलगम की गुणवत्ता को बदल देना, शुक्राणु के प्रवेश को रोकते हैं, आरोपण को रोकते हैं, तो शुक्राणु निकलना फैगोसाइटोसिस इनका काम नहीं है, बाकी सब ये काम करेंगे क्योंकि ये भी हार्मोन्स हैं, तो इनका भी काम करने का तरीका काफ़ी कुछ इंट्रायूटेराइन डिवाइस हार्मोनल की तरह है, तो ग्रीवा बलगम की गुणवत्ता ठीक कर देंगे, शुक्राणु के प्रवेश को, प्रवेश नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पे म्यूकस थिक हो गया है, और इम्प्लांटेशन को रोकेगा क्योंकि यूटेरस को हॉस्टाइल कर दिया या अनफ्रेंडली कर दिया है। कौन सा गर्भ निरोधक नहीं है, कंडोम है, सहेली गोली है, वोल्ट है, स्टीरॉयड गोली नहीं है, स्टीरॉयड गोली हमारी अभी आपने देखा था कोरोना में स्टीरॉयड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, स्टीरॉयड की गोली जो होती है मेनली वो पेन किलर या दूसरे कामों के लिए दी जाती है, स्टीरॉयड की गोली गर्भ निरोधक नहीं होती। मौखिक गर्भ निरोधक गोलियों का सबसे महत्वपूर्ण घटक है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन दोनों ही होते हैं, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन मेन घटक उसका प्रोजेस्टेरॉन है। मौखिक गर्भ निरोधकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, मौखिक गर्भ निरोधक विशुद्ध रूप से हार्मोनल तैयारी है, ठीक है जी,
यह हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और अंडाशय पे काम करता है, ठीक है जी। हाइपोथैलेमस पे, पिट्यूटरी पे, अंडाशय पे काम करेगा, युग्मकों के उत्पादन को रोकता है, ठीक है जी। यह शुक्राणुओं की गतिशीलता को रोकता है, वो कॉपर को करता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? यही कथन सही नहीं है। मौखिक गर्भ निरोधक किससे बना है? किससे बना है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से। निम्नलिखित में से किस गर्भ निरोधक विधि में हार्मोन की भूमिका होती है? बैरियर मेथड में नहीं होती, बाधा मेथड में नहीं होती, बैरियर मेथड में नहीं होती। लैक्टेशन एमिनेरिया भाई हार्मोन का रोल है, अभी आपको एक्सप्लेन किया कि प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा और प्रोलैक्टिन ज़्यादा होने से FSHLH कम हो जाएंगे। मौखिक गोलियों में भी है, आपातकालीन गर्भ निरोधक में भी है, इसमें है, इन तीनों में है। बाकी बैरियर मेथड नॉन हार्मोनल है। चलिए अब हम लोग आ गए MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी गर्भावस्था का चिकित्सीय उपचार पे। चलिए पहले हम लोग चल के NCERT बुक को पढ़ें फिर इधर आए। आइए तो देखिए यहाँ पे आके कॉन्ट्रासेप्टिव आपके ख़त्म, उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी लगा लिए। हम लोग के ये दो इस आपके चैप्टर के दो हो गए हैं, कहिए कि टॉपिक कौन कौन से हम लोग के टॉपिक हो गए, जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जनसंख्या विस्फोट, जन्म नियंत्रण। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संगर्भता का चिकित्सीय समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी तीसरा टॉपिक, ठीक। चलिए चलें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की तरफ। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो बच्चा पहले ही मैं देख रहा हूँ मेरा टाइमर बता रहा, 1 घंटे की वीडियो हो गई है। ये पढ़ाया तो आप बेहोश हो के गिरोगे, फ़ायदा नहीं है। ब्रेक ले लो अपना सा, थोड़ा सा टाइम वाइम उठ के टहल लो, फिर लो इधर उधर झाँक आओ, लोगों को एक दो फ़ोन कर लो, एक दो फेसबुक पर कमेंट कर लो, एक दो ट्विटर पर अपनी जानकारी जाहिर कर दो, एक दो लोगों को जुतिया दो, एक दो लोगों से लड़ दो और एक दो लोगों को गरिया दो। लौट के आओ, करता हूँ बात संगर्भता का चिकित्सीय समापन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो जल्दी आइए, आपके इंतजार में, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय।